बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम इंग्लैंड। जनाब, अगेन गैर हाजिरी हो गई, कुछ मसरूफी थी जाती, कुछ रिसर्च के मामला में थे, कुछ ट्रॉल्स ने मेरा टाइम जो है ना वो ज़ाया कर दिया। तो वो अगेन मैं कुछ बातें करना भी चाहता हूँ आपसे आज। देखिए, पाकिस्तान में एक तो यह है कि सैलाब बहुत ज़बरदस्त आया, उसके बारे में आपने सुना, हमें भी अफसोस है इसका, और हमने भी अपनी तौफीक के मुताबिक मदद की है उसकी, अल्लाह पाक सब पर रहम फरमाए। तो असल में बात आजकल ये हो रही है ज़्यादातर कि इमरान खान साहब जो हैं, ही इज़ अबव द पाकिस्तानी लॉज आर नॉट अप्लीकेबल टू हिम। अगर ये बात है उसको शहनशाह बनाकर रखना है अबव द पाकिस्तानी लॉज, तो फिर ये बेहतर नहीं है कि उसके लिए उसको बजाय इसके कि कोर्ट में लेकर जाया जाए, जजेस का टाइम ज़ाया हो, वकला जो हैं दोनों साइड के उनका टाइम ज़ाया हो, मीडिया का टाइम हो ज़ाया, और कितने लोगों का टाइम ज़ाया होगा, उसको कितनी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, उसका जो है टाइम ज़ाया हो, अखराजात बढ़ते हैं, और फिर जो यानी कितने लोग हैं वो देखते रहते हैं, पता नहीं क्या फैसला होगा क्या नहीं होगा, यानी करोड़ों लोगों का जो है ना ये मसला है, वो करोड़ों रुपये जो हैं इस पर खर्च होते हैं। तो यानी इसका इजी वे आउट ये है कि उसको ये कह दिया जाए कि इमरान खान जो है ना इज़ अबव द पाकिस्तानी लॉज एंड नो कोर्ट कैन चार्ज हिम आर इवन इन्वाइट हिम आर कॉल हिम, तो मसला खत्म हो जाता है। तो उसके लिए फिर एक साहब साहब ने ये कहा है कि सलीम साफ़ी साहब है, बड़े बड़े मशहूर साफ़ी हैं पाकिस्तान के, उनका तल के पी के से है, प्रोग्राम भी करते हैं वो जिरगे के नाम से, जिरगा। तो कहते हैं कि इसमें ये बेहतर रहेगा कि एक क्लोज डाल दी जाए पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कि इमरान खान इज़ अबव द पाकिस्तानी लॉज एंड मसला खत्म हो जाता है। तो फिर ये सारा जो खर्चा है, जो सारे जो मसाइल हैं हल हो जाएंगे। इमरान खान जो है शहनशाह है, वो चीफ जस्टिस को बुलाए, आर्मी चीफ को जो गालियाँ दे, उसको जो मर्जी के यजीद बोले, उसको गद्दार बोले, या चीफ जस्टिस के को कुछ बोले, और उसके जो ट्रोल्स हैं उन्होंने तो चीफ जस्टिस और जितने जजेज हैं उनको पता नहीं क्या क्या फजूल बातें करी हैं। मैं तो नहीं कह सकता उनको कुछ होगा या नहीं होगा, मुझे खाम खाना रगड़ा लग जाएगा, तो मैं तो नहीं कहता। वैसे भी जजेस का मैं एहतराम करता हूँ। फिर ये भी है कि मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है, माँ बाप की तरबियत का हिस्सा है, मैं गालियाँ नहीं देता, कोई बहुत तंग करे तो ट्रॉल्स कह देता हूँ या फुट सोल्जर्स कह देता हूँ, लेकिन अकेले उस पर भी मैंने कहना कुछ छोड़ दिया। फिर हैरानगी की बात ये आती है इसमें कि मैं अभी देख रहा था भाई, इमरान खान के लिए सारे रूल जो बदल जाते हैं पता नहीं क्यों। मसलन सबक जो वज़रा हैं कि ये इमरान खान इज़ नॉट द ओनली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, इमरान खान को कितनी सहूलतें दी जाती हैं, उसको वो इसी तरह अभी भी सफ़र कर रहा है, बिहेव कर रहा है कि जैसे ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर, ही इज़ कॉलिंग द शॉट्स। नवाज शरीफ जो आज़िर सर्विस था उसके साथ क्या शुरू किया जाता था, बिठा दिया जाता था उसको कोर्ट में, ठीक है, और इमरान खान के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट होती है। अभी जब वो गया तोहीन ने अदालत के सिलसिले में गया, इससे पहले जितने भी लोग जाते हैं जो मुलज़िम होते हैं वो जज के सामने बैठ कर बात नहीं करते। यहाँ पर पांच जो है ना जजेस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो वो उनके सामने वो खड़ा भी नहीं हुआ, वो टांग पर टांग रखकर बैठा हुआ था, हाथ में तस्बीह थी उसके, ठीक है, वो गपशप लगा रहा था लोगों से। तो यानी दूसरी लफ्जों में जो जजेस हैं वो उसको अपने सामने खड़ा नहीं कर सके तो वो खाक उसको सजा देंगे, नेवर, उसको सजा नहीं देंगे, बल्कि उसको होता है प्राइवेटली मैसेज भेजा हो भाई हमें माफ कर दो और थोड़े से लफ्ज आगे पीछे कर दो, जैसे कि उन्होंने कहा भी है कि फलां जो है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को देखो, फलां जजमेंट को देखो, फलां देखो, उसके उसकी रोशनी में जो है ना आपको हम 7-8 दिन देते हैं, आप जो है ना नई एप्लीकेशन बनाकर भेजें ताकि वी कैन डू अदर इन अदर वर्ड्स हम आपको यू नो माफ करते हैं या आप हमें माफ करते हैं, तो ताकि ये जान छुड़ाई जाए। तो अगर ये सूरत है तो फिर उसको ठीक है करने दें। इमरान खान को जो कुछ करता है वो कहता है जी मैं चोरों डाकुओं के साथ नहीं मिल सकता, तो ये खुद भी कहता था कि परवेज इलाही पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है उसके साथ बैठा हुआ है, इस आदमी की तो जुबान नहीं है, ना कोई सूल है ना कोई रूल है, इंतहाई उसे ऐसे जैसे कि मैं कोर्ट कर रहा हूँ, लोग कहते हैं बड़ा घटिया कमीना आदमी है, उसकी कोई जो है ना इसकी इसकी अपनी कोई इज्जत है ना दूसरों की इज्जत ये कर सकता है, कोई भी आदमी इसकी जुबान से महफूज नहीं है। तो अब यह है कि वो तो अपनी जगह बात है कि देखिए सो मच सो के जब अभी भी वो जाता बाहर तो उसको इतना उसकी सिक्योरिटी दी जाती है बाकायदा, 100 पुलिस मैन वाले हैं वो तो के पी के से आए हैं,
और जो उसका सिक्योरिटी का इंतजाम कर रहे हैं, फिर 50 पुलिसमैन जो है गिलगित बल्तिस्तान से आए हैं, अब वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दिस इज अगेंस्ट द लॉ, दिस इज अगेंस्ट द रूल्स। केपीके जो है पुलिसमैन और गिलगित बल्तिस्तान के पुलिस वाले उसको प्रोटेक्शन मुहैया नहीं कर सकते, नॉट अंडर इंस्ट्रक्शन ऑफ इमरान खान, ठीक है। और जो पुलिस वाले इस्लामाबाद के हैं वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उसको, लेकिन उनको ये सुना है कि आज बड़ी हल्की हुई मेरे लिए कि वो कह रहे हैं कि वो सर्टन पार्ट्स ऑफ द हाउस या क्वार्टर्स में, इनर क्वार्टर्स में वो जा नहीं सकते, इमरान डजंट ट्रस्ट देम, ठीक है। ये हालत है और उनको पर वो ये चीज पर अगेंस्ट द लॉ। और फिर ये बात भी होती थी कि एक हफ्ता पहले तक इमरान खान साहब जब सफर करते थे किसी जगह जलसा करना है, वो जो सैलाब आया हुआ है वो डूबते हैं या मरते हैं, गांव डूबता है या मरता है, तबाह होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इमरान खान को गर्व थी अपने जलसों से, आपने जो बातचीत करता है वो वही इल्जाम तकरीर उसने एक याद की हुई है जो पहले से की हुई है कितने सालों से, वही जो बड़ा डफर आके पीछे कर लेता है तो जो उसके मुंह में आता है कह देता है। आजकल तो सुना हुआ है कोई शलवार भी शायद उल्टी पहन कर गया होता, पता नहीं, मैंने तो शलवार देखी नहीं है। अच्छा एनीवे वो तो यानी दूसरे उसमें ये था कि उसको जब बकायदा जब जाता था तो उसके लिए स्पेशल रूट लगता था, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जाता है उसके लिए रूट लग गया था और सड़कें बंद कर दी जाती हैं, यानी कोई VVIP जाता है तो सड़कें बंद कर दी जाती हैं, आर्मी चीफ जाता है या दूसरे को लोग जाते हैं, तो इमरान खान का भी के लिए भी बकायदा रूट लगता था अप टिल लास्ट वीक। अंधेर नगरी है या नहीं है। और फिर यह कि मैं प्रोग्राम सुन रहा था एक जैसे इमरान खान के बारे में, तल्त सैन जो है बड़े मशहूर साफी हैं, तो वो कह रहे हैं कि उसका यानी टोटल 266 पुलिस वाले उसकी उसका तहफ़ कर रहे हैं, और इसका जो है ना खर्चा महीने का 2 करोड़ रुपए है, ठीक है। कौन दे रहा है? इमरान खान तो नहीं दे रहा है। तो उसके साथ कैसा फिर भी है कि मसलन कान आवासी साहब हैं, वो भी साहब जिन्हें वो बगैर सिक्योरिटी के घूमते हैं इस्लामाबाद में, वो दूसरी जगह पर कोई सिक्योरिटी नहीं उनकी, दूसरे लोगों को सिक्योरिटी नहीं है, इसमें कौन से सुरखाब के पार लगे हुए हैं? इसलिए कि ये गालियां अच्छी दे लेता है, इसलिए कि ये अंग्रेजी अच्छी बोल लेता है, इसलिए कि ये सबको यजीद और गद्दार और पता नहीं क्या क्या कहता है, मजहब की तोहिन करता है, सहाबा कराम की तोहिन करता है, पता नहीं क्या क्या कहता है, जो मुंह में आता कहता है, इसलिए आखिर क्या वजह है? तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि जो ट्रोल्स हैं उनका अपना एक रोल है, अपना काम है, और रोल उनका हमेशा ही नेगेटिव होता है। उनका मतलब ये होता है कि लोगों को एंगेज करना, लोगों को इंटिमिडेट करना, उनको डराना, बेइज्जत करना। वो अक्सर लोग जो होते हैं कहते हैं उनके फजूल बातों से, उनकी गालियों से वो डर जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं, घर बैठ जाते हैं, कहते हैं यार छोड़ो मैं कुछ नहीं बोलता, मैं अपने क्यों क्यों गालियाँ खाऊँ। लेकिन मैं इनसे डरने वाला नहीं, मैं तो इनको लिखता हूँ, जवाब देता हूँ, और मैंने अभी जो कम से कम 6 सफ़े जो है ना मैं उस पर आठ उस सारा कटा के जो उसको आर्टिकल की शक्ल दे दी है, वो मेरी नेक्स्ट किताब में वो आएगा, ठीक है। वो ट्रोल्स क्या करते हैं, उनका रोल क्या है, उनकी आइडियोलॉजी क्या होती है, उनको कैसे हैंडल किया जाता है, इसी तरह से कम्युनिटी हैं वो क्या कर रहे हैं। मैंने बड़े तरीके से कहा है कि ये कम्युनिटीज एंड ट्रोल्स दे आर वर्किंग फॉर टू दे आर प्रमोटिंग इस्लामाबाद एजेंडा एंड GHQ एजेंडा। उनका जो है ना ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी तरीके से टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट किया जाए, कि डिवीजन ऑफ इंडिया वाज अप्रोप्रिएट, जस्टिफाई करते हैं उसको कि हिंदू और मुस्लिम जो है कठे रह सकते हैं, और इसीलिए उन ट्रॉल्स ने बहुत से लोगों पर जुल्म किया कश्मीर के अंदर, और नॉन मुस्लिम को उसके वो कहते हैं कि प्योरीफाई कर दिया कश्मीर को, हमने उनको भगा दिया लाखों के हिसाब से, फिर कहते हैं कि वी आर वेरी गुड पीपल, वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन, दे आर नॉट। उनका मकसद यह है कि ये जब ये सारे लोगों को निकाल दिया जाए तो ये एक मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। वो तो बेसिकली व्हाट दे ट्राइंग टू डू इज दे प्रमोटिंग एंड प्रोजेक्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग पाकिस्तानी इंटरेस्ट, ठीक है। पाकिस्तानी इंटरेस्ट क्लैश विद द इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर, बिकॉज पाकिस्तान इज ऑल्सो एन ऑक्यूपायर, हमारे तो उनके साथ लड़ाई है, जंग है, इसलिए कि दे ऑक्यूपाई अस। ये ट्रोल्स हैं वैसे उनका तलक आजाद कश्मीर से हो, गिलगित से हो या जम्मू कश्मीर से हो, ट्रोल्स आर ट्रोल्स, दे आर प्रोटेक्टिंग प्रोजेक्टिंग प्रमोटिंग पाकिस्तानी एजेंडा, एंड वी दैट एजेंडा डज नॉट यू नो वो हमें सूट नहीं करता, एंड इट्स अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर, अगेंस्ट द यूनिटी ऑफ जम्मू कश्मीर, अगेंस्ट द सॉवरेंटी ऑफ जम्मू कश्मीर, अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ कश्मीरी पीपल।
दे आर एंटी जम्मू कश्मीर, एंटी यूनिटी, दे आर एंटी पीपल, एंटी डेमोक्रेसी। इसलिए हम पर फर्ज बनता है कि इन ट्रोल्स को पुट देम इन देयर राइट प्लेस। अब ये कोई बात नहीं है, आप ऐसी ऐसी बातें लेकर आ जाते हैं। अब आप तो एक गधे ने ये कहा है कि देखिए जी, जो महाराजा की एक्सेशन थी उसकी जो है ना ये ओरिजिनल कापी नहीं है, और ये जो लोग पेशकार हैं ये टाइम रोमन उसका लिखा हुआ है। तो इन बेवकूफों को कुछ कौन समझाए कि उस वक्त ना ये वेबसाइट थी ना कंप्यूटर थे 1947 में। लेकिन ट्रोल्स हैं, ऑफ कोर्स ट्रोल्स आर ट्रोल्स एंड दे डू नॉट यूज कॉमन सेंस। अगर ट्रोल्स कॉमन सेंस यूज करें तो वो ट्रोल्स ट्रोल्स नहीं रहते। दे डू नॉट यूज कॉमन सेंस, दे आर ऊपर से खाली होते हैं, ऊपर चैम्बर उनका खाली होता है, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड ट्रोल्स। अगर ये वो लॉजिकली बात करें, एनालाइज करें लॉजिकली, कॉमन सेंस यूज करें, तो ऑफ कोर्स देन दे आर नॉट ट्रोल्स, बिकॉज दे डोंट यूज दोस थिंग्स, दे आर ट्रोल्स एंड दे विल रिमेन ट्रोल्स। आई लीव इट एट दैट। जम्मू कश्मीर के बारे में मैं दोबारा कभी बात करूंगा अलग किसी सेक्शन में। इसमें मैं कुछ दूसरे दोस्तों से भी वादा किया था कि उनके साथ प्रोग्राम करूंगा, लेकिन बिकॉज ऑफ माई अदर कमिटमेंट्स हियर मैं आई कुड नॉट डू इट। तो इफ यू हैव नॉट क्या कहते हैं इसको, सब्सक्राइब किया चैनल को, तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू मेक कमेंट्स। आई ऑलवेज रीड योर कमेंट्स एंड लर्न फ्रॉम देम एज वेल। हमारी तरफ से खुदा हाफिज, लुक आफ्टर योर सेल्फ।